हाँ वसीम बोला है। बोला तेरा काम था। क्या काम? एक औरत को मारना है। क्या मारना है मतलब? मर्डर। कौन है वो औरत? है हमारे चाल की। पैसे मिलेंगे? अरे नहीं इमरान, 20/11/2011 नहीं, 20/10/2011। हर बार एक ही गलती करते हो आप। अरे बस बस, वो हर बार 10 और 11 में आकर अटक जाता हूँ लोफर। आप हर बार मेरा बर्थडे का डेट लिखते हो अबू। रेहान मियाँ, आप रोहित इतने प्यारे कि लगता है हर रोज आपका हैप्पी बर्थडे है। ये लो भर दिया मैंने आपकी लाइन। अरे नीलोफर, अभी तक ये पहली में भी नहीं गया और इतनी सारी पढ़ाई है। अरे तो अच्छा ही है ना, तुम और मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाए, हमारे हिस्से की भी पढ़ाई यही करेगा। क्यों मारना है औरत को? उसका नाम तो बता। ज्यादा सवाल मत पूछ, कल मेरे घर पे आ जा। तेरे साहब कितना पैसे हुआ? 120। तेरे घर मारा है? हाँ, लेकिन शाजी भाभी और फई वो नहीं रहेंगे घर पे, कल तो संडे। हसन भी हमारे साथ है, साजिया और फहीम का इंतजाम वो कर देगा। पूरा खाना कुछ नहीं छोड़ना। समीर और फहीम की भूख जमती? जमती तो है, पर दोनों मिल नहीं पाते, सब इतने मसरूफ जो रहते हैं। हाँ तो कल इतवार है, दोनों को खाने पे बुला लो। ये अच्छा रहेगा, मैं अभी खाने के बाद उन्हें फोन लगाती हूँ। हाँ हाँ मिनास पक्का आएंगे, बड़ा मजा आएगा। और हाँ, खाने के बाद टीवी पर अच्छी सी फिल्म देखेंगे। तो फिर एक काम करना, कल खाने पर नहीं सीधे नाश्ते पर आ जाना, मैं निहारी बनाती हूँ। ये तो और बढ़िया हो गया, फहीम को निहारी बहुत पसंद है। तो कल सुबह 9 बजे तय रहा? ठीक है पक्का। पर ये काम हम कर किसके लिए रहे हैं? पैसा कितना मिलेगा? कितने में इतने मत पूछ भाई, एक बना। आजा बैठो, बस औरत को मारना है और लाश को ठिकाने लगाना है। ठीक है, कब आऊँ? कल सुबह 10 बजे। हाँ साहब, क्या बनाऊँ? हफ्ते में एक ही इतवार तो आता है, आज तो 4 बजे तक आ जाइए। अगर किसी ने छुट्टी नहीं मारी तो पक्का आऊंगा, नहीं तो डबल शिफ्ट। साहब को मना नहीं कर सकता ना? कोई बात नहीं, दुआ करूंगी कि आज कोई छुट्टी ना ले, और अगर डबल शिफ्ट लग गई तो लग गई, अब जो भी कर रहे हैं हमारे लिए तो कर रहे हैं। अब आपको काम पे नहीं जाना, चलिए अल्लाह हाफिज। खाना खाने के पहले लौटेगा तभी जाने दूंगी। मतलब 12 o'clock? हाँ मतलब 12 o'clock। आ जाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। जा। निलोफर, 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 निलोफर। सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाजिया ने तुम्हें घर पर बुलाया? गैस पर सालन चढ़ा रखा है, वो बना के आती हूँ। नहीं लेकिन अर्जेंट है, अभी आओगी तो अच्छा रहेगा, ऐसा बोला। अच्छा ठीक है, गैस बंद करके आती हूँ। Thank you.
ए वसीम। हाँ वही है। तो उसको मारने के पैसे कौन देगा? तू देगा या तेरा छोटा भाई इमरान? छोना नदीम, इसके सारे कपड़े उतार दे, एक भी निशानी रहनी नहीं चाहिए। अभी टाइम है हमारे पास, पहले पूरी भड़ास तो निकाल लो। अम्मी, 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 खाला। हाँ? अम्मी को देखा क्या? होली भी नहीं है क्या? नहीं, देख यहीं कहीं गई होंगी सब्जी वब्जी लेने। अम्मी, इसकी टांगों को मरोड़कर हाथों के साथ बांध दे ताकि बोरी में ठोसने में आसानी होगी। तुम दोनों इसे लेकर जाओ, मैं घर निकलता हूँ। शाजिया मिनाज घर पर है, कुछ चटपटा ना लगे। फारूक भाई। हाँ? इसकी अम्मी नीलोफर को देखा आपने? हाँ, आई थी ना सुबह गोश्त लेने। अभी देखा? गुजरी यहाँ से? नहीं तो, सब खैरियत तो है। तेरी अम्मी ने अपने बड़े अब्बू के यहाँ जाने की बात की थी? चले गए ये लोग? मेरी अम्मी कहाँ है फातिमा खाला? तेरी अम्मी को ही ढूंढ रहे। क्या सॉरी मिनाज, बेटी का काम है इसलिए जाने दे रहा हूँ। मिनाज। हाँ? अरे तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो। आई आई। हाँ फातिमा। मिनाज, नीलोफर तेरे यहाँ है क्या? नहीं तो, क्या हुआ? नहीं, यहाँ भी घर में नहीं है और उसका फोन भी यहीं पड़ा हुआ है। बेचारा रियान परेशान हो रहा है। मेरी तो नीलोफर भाभी से कोई बात नहीं हुई। तू बच्चे को अपने साथ रख ले, बड़ा डरा हुआ सा है। पर नीलोफर भाभी ऐसे बच्चे को अकेले छोड़कर गई कहाँ? अब मुझे क्या पता मिनाज, ये तो रेहान पूछता हुआ आया, इसीलिए मैंने पूरा मोहल्ला छान मारा। नीलोफर कहीं नहीं है और उसके जेठ वसीम भाई, उनके यहाँ भी तो ताला लगा हुआ है। क्योंकि शाजिया भाभी और फहीम तो यही है हमारे घर। अच्छा, तू एक काम कर, तू अपने इमरान भाई को फोन कर और बच्चे को आके लेके जा। ठीक है, मैं बस अभी पहुंचती हूँ वहाँ। क्या हुआ? नीलोफर भाभी रेहान को घर पे अकेले छोड़कर न जाने कहाँ चली गई। हाँ मिनाज, कैसी हो? इमरान भाई, नीलोफर भाभी कहाँ है? क्यों, घर पे ही होगी, उसका फोन नहीं लग रहा है क्या? फोन क्या लगेगा इमरान भाई, मैं तो आप ही के घर पर हूँ रेहान के साथ।
भाभी यहाँ पर नहीं है और फोन उनका यहीं पर पड़ा है। अच्छा, तो कहाँ चली गई होगी? मुझे क्या पता इमरान भाई, मैं रेहान को अपने साथ लेकर जा रही हूँ, उसे कुछ खिला देती हूँ। आप जरा निलुफर भाभी का पता लगाइए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, खाना भी आधा पका छोड़ गई है चूल्हे पर। अच्छा ठीक है, मैं घर पहुँचता हूँ। अब इमरान अपनी पत्नी निलुफर को दिन भर ढूंढने वाला था और इमरान का सगा बड़ा भाई वसीम अब अपनी साजिश की दूसरी चाल चलने वाला था। मिली? नहीं मिली वसीम भाई। कहाँ नहीं ढूंढा वसीम भाई, हर गली हर घर, कहीं नहीं। गांव में फोन किया, पता चल गया कि गांव में भागकर बैठी है इसके निलोफर। भाग गई? निलोफर भागेगी क्यों? कभी ऐसे रेहान को अकेले छोड़कर मुझे बिना बताए, और वैसे भी वो अकेले मेरठ कैसे जाएगी? तेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा है इमरान, मोबाइल पीछे छोड़ गई, रेहान को पीछे छोड़ गई, घर को ताला नहीं लगाया, खाना आधा अधूरा बनाकर छोड़ के गई, क्या इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है? गांव में फोन कर और उसके अम्मी अबू से बात कर। सहरा, कुछ चाहिए क्या? हाँ, तेरा फोन बज रहा है। इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? इमरान का है। हाँ इमरान बेटा। अम्मी, निलोफर का गांव आने होने का कोई प्लान था क्या? नहीं तो, और ऐसी कोई बात होती तो वो पहले तुम्हें ही बताती ना, सब खैरियत तो है ना बेटा? थोड़ी परेशानी है अम्मी, वो उबेर से निलोफर गायब है। गायब मतलब? दोपहर को रेहान घर के बाहर खेलने गया था, वो खाना बना रही थी, चूल्हे पे आधा पका हुआ खाना छोड़ के और घर को बिना ताला लगाए मोबाइल भी घर पे छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कह रहे हो इमरान? पूरा मोहल्ला छान मारा अम्मी, लेकिन पता नहीं चला। ऐसा कैसे बिना बताए कहीं चली जाएगी? हाँ, कोई झगड़ा बगड़ा तो नहीं हुआ ना तुम्हारा? नहीं अम्मी, कोई झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ? इमरान कह रहा था निलोफर के साथ कोई झगड़ा बगड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी वो निलोफर घर छोड़कर चली गई। जा तू घर जा और रेहान का ख्याल रख, तेरी निलोफर को आना होगा तो आएगी। आप ऐसे कैसे बोल रहे हो वसीम भाई? मुझे नहीं लगता निलोफर मुझे छोड़कर कहीं गई है। तेरे लगने ना लगने से फर्क क्या पड़ता है? सच्चाई तेरे सामने, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है। घर जा, रेहान का ध्यान रख, अगर रात तक नहीं आई निलोफर तो सुबह फिर से ढूंढ लेंगे। आज तो मना लिया तुमने, कल वो फर पड़ा है, कल की कल देखेंगे। कुछ खबर आई निलोफर की? नहीं, और कभी आएगी भी नहीं। मैं तो पहले से बोला था ना, ये लड़की अपने इमरान के लिए सही नहीं है, एक ना एक दिन तुझसे भागना ही था, भाग गई। खाना खा ले रेहान। मम्मी कहाँ चले गए अबू? पता नहीं, लेकिन आ जाएंगे। क्या करूँ? मम्मी क्यों चले गए? पता नहीं, अभी चुपचाप खाना खा, आकर आकर रेहान। हाँ?
अभी तक बोरी उधर ही पड़ी है। एक दिन और रहेगी कम से कम, हर दूसरे दिन कचरे की गाड़ी आती है। अभी निकल ले तू। सिंह भाई आप कुछ भी बोलो, निलोफर मुझे छोड़ के नहीं गई। अरे छोड़ा उसने, अपना घर था, अपना गांव था, सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए। हाँ तो अब किसी और के साथ रहने के लिए तेरे को छोड़ दिया, आदत होगी उसे। सिंह भाई खुश थी मेरे साथ वो, कल जब हमारी फोन पे बात हुई तो बोली जल्दी आ जाना आज घर वापस। मैंने बोला अगर डबल शिफ्ट नहीं लगी तो पक्का आऊंगा, अब अगर ऐसा कुछ बात होती तो मुझे शक तो होता कम से। इमरान तेरी बीवी ने पूरा प्लानिंग किया था, तभी तो भागी दोपहर को। वो भागी नहीं है वसीम भाई, किसी मुसीबत में, वो कुछ गलत हुआ उसके साथ। क्या 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 मुसीबत, क्या बता। मतलब कहीं कुछ सामान लेने बाहर गई होगी, वापस आने के टाइम रास्ता भूल गई होगी, मोबाइल भी घर पे था। अभी 1.5 साल हुआ मुंबई आके हम लोग को, मुंबई के रास्तों के बारे में उसको कुछ पता नहीं। तेरी तसल्ली के लिए तू जहाँ बोलेगा वहाँ ढूंढेंगे बस। तेरे पास कोई फोटो वोटो है उसकी? हाँ मोबाइल में। वसीम एक चिंतित और जिम्मेदार बड़े भाई होने का ढोंग बखूबी करता रहा, और दूसरी ओर उसका छोटा भाई इमरान बेहाल था अपनी पत्नी की फिक्र में। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी की भयंकर हत्या हो चुकी। इस हादसे में तकदीर ने भी अपना निर्दय किरदार निभाया। नीलोफर की लाश ढूंढी जाने में और कुछ दिन निकलने वाले थे। अब इमरान पूरी तरह से टूट चुका था। वसीम उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि नीलोफर उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन बेहाल इमरान इस ख्याल को कबूल नहीं कर पा रहा था। इमरान ने ठान लिया था कि वो अपनी पत्नी, अपने 4 साल के बच्चे की माँ नीलोफर को हर सूरत में ढूंढ कर रहेगा, और इसी वजह से वसीम ने अपनी साजिश की दूसरी चाल चली। वापस आना होता तो कब की आ चुकी होती इमरान, जरा दिमाग से काम ले। तेरी नीलोफर के गए 4 दिन हो गए। वसीम भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नीलोफर कोई तकलीफ में हो और वो हम तक पहुंच ना पा रही हो। मुझे तो लगता है कि अब पुलिस ही ढूंढ पाएगी नीलोफर को। पुलिस कैसे ढूंढेगी, ढूंढा उसे ज्यादा जो खो गया हो, जो खुद छुप रहा है उसे कैसे ढूंढेगी पुलिस। वसीम भाई आप नीलोफर के बारे में ऐसा गलत मत समझो, वो ऐसा नहीं कर सकती। चलते हैं पुलिस के पास, आप आएंगे ना मेरे साथ। इमरान तू जानता है पुलिस की मगजमारी, जान पर आ जा दो लोग। वसीम भाई इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है, आपको खुदा का वास्ता, चलिए ना मेरे साथ। लेकिन वसीम भाई चलिए ना मेरे साथ, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ठीक है, इतना बोलता चलता हूँ। इसकी बीवी घर छोड़ के भाग गई है साहब, लेकिन ये मानता नहीं कि इसकी बीवी ऐसा कुछ कर सकती है। उसको लगता है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा, इसीलिए हम लोग आपके पास आए साहब। तुम्हारी पत्नी का नाम? नीलोफर। ये फोटो है साहब उसका। इस नंबर पे सेंड कर दो। भेज दिया साहब। नीलोफर पहले भी ऐसे भागी है घर छोड़कर? नहीं साहब, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मुझसे और अपने बच्चे रेहान से बहुत ज्यादा प्यार करती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। गांव में अपने अम्मी अम्मू के यहां से भाग गई थी इसी के साथ 5 साल पहले। देखो तुम लोग सीधी बात करोगे तो सबका काम आसान होगा। नीलोफर का किसी के साथ कोई चक्कर था? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं था साहब। 5 तारीख को दिन में खाना पका रही थी साहब, खाना अधूरा छोड़कर घर को बिना ताले मारा चली गई। बच्चा
अच्छा बाहर खेल रहा था साहब। ठीक है, तुम लोग बाहर मिसिंग कंप्लेन लिखा दो, हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है सर। मेरे जान को बहुत खतरा है साहब, बार बार फोन आ रहे हैं, बताओ ना आप साहब को। उम्र 25 साल। हाइट कितनी है? 5 feet 3-4 inches रहेगी साहब। बदन पर कोई निशानी? नहीं सर। कोई मार, कटा हुआ, जला हुआ, कोई तिल बिल कुछ? कपड़े क्या पहनी थी वो? कपड़े जब मैं ड्यूटी पे जा रहा था तो ऐसे घर के कपड़े पहन रखे थे, उसके बाद कभी को पता नहीं सर। वैसे तो वो सलवार कुर्ती और दुपट्टा पहनती है सर। कुछ जेवर वगैरह पहने थे उसने? जेवर साहब वही जो रोज पहनती थी, कान में और हाथ में एक दो चूड़ी और गले में ताबीज, जो फोटो में ना साहब वही सब। वही हम ढूंढना शुरू करते हैं उसे, उसका कुछ पता चलेगा तो हम तुम्हें फोन करेंगे। तुम्हारा नंबर है यहाँ पे। जी सर। और सुनो, अगर वो खुद से लौटा है तो यहाँ इन्फॉर्म कर देना, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। समझ गए सर। उसे छोड़ के चली गई तो क्यों गई होगी वसीम भाई? वो तो हो जाना भाई, आएगी तब पूछना उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तेरे को सब कुछ तो बता देनी। उसके अम्मी अब्बू, उसका भाई अब्दुल बहुत परेशान है सब। ये तेरे लिए पहली बार है, उनके लिए नहीं। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? अपनों के बारे में बिना सोचे बस खुद के बारे में सोचे, फिर कोई करे तो करे क्या? हाँ ठीक है इमरान। क्या बोला, क्या बोला इमरान? बोला कि पुलिस कंप्लेंट हो गई। देख अब्दुल, तेरी बहन ऐसे बच्चे और शोहर को छोड़कर भाग जाएगी कहीं क्या? नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। कहीं गई भी है तो कहाँ गई, इतने बड़े शहर में गई क्यों है अबू? ए वसीम, बोरी मिल गई उनको। पुलिस थी? नहीं, लेकिन डंपर वाले ने मेरे सामने पुलिस को फोन घुमाया। मैं जब इधर आ रहा था तो पुलिस जा रही थी उस तरफ। फिकर मत कर, वैसे भी लाश को 5 दिन हो गए, पूरी तरह से फूल गई होगी। तूने कपड़े और ताबीज तो जलाई दी थे ना? एक चीज रह गई थी। क्या? उसके पैरों की उंगलियों में पिछिया थी। अबे तो काट देता हूं उंगली, वैसे भी मर चुकी थी, पर मुझे बताया क्यों नहीं? पूरी तरह हिला हुआ था मैं। देख तो नीलोफर को मार डाला, अपनी इमरान की बीवी, और ऊपर से लाश के साथ जो तूने किया ना उसके। अरे अब तो मुझे पता क्यों तूने अपने छोटे भाई की बीवी को मरवा दिया, तो मुझे क्यों नहीं बताया कि उसे मारना है? ऐसा भी क्या नाराज था तू उससे? फिर कभी बताऊंगा फुर्सत में। सुन, अभी अपने पास टाइम नहीं है, बस लाश किसी की पहचान में नहीं आनी चाहिए। तू मेरा टेलर संभाल, मैं आता हूं। औरत है सर, बदन पर एक भी कपड़े नहीं है और लाश काफी सड़ चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पता करो और क्या डिटेल्स मिलती है। जी।
क्या करना है? सोचने दे, बोलता हूं। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़ अबू। पुलिस कुछ बोली अभी तक? हेलो इमरान। हाँ सर। क्या इमरान, मैंने अभी जो देखा तो तू मेरी बात सुनेगा तो तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा यार। नीलोफर दिखी आपको? मेरे भाई तू उस औरत को भूल जा। सिंह भाई मैं पूछ रहा हूँ, नीलोफर दिखी क्या आपको? अरे मैं यहाँ आया था चारकोप में कुछ काम से, तो 5 मिनट पहले तेरी नीलोफर दिखी। कहाँ है, कहाँ है वो? आपके साथ? वो मेरे साथ नहीं है इमरान, लेकिन एक बात समझ ले, तेरे साथ भी रहना नहीं चाहती। नहीं वसीम भाई आप ऐसा मत बोलो, मेरे साथ रहना चाहती है। वो चारकोप कैसे पहुँच गई? अरे वो सब मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा तो मेरा कलेजा मुंह में आ गया खुदा कसम। तो आपने उसको आवाज़ क्यों नहीं लगाई, उसको रोका क्यों नहीं? अरे आवाज़ दी ना मैंने। अरे मैं रास्ते के इस तरफ था और सामने तेरी नीलोफर, जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा मैं चिल्लाया नीलोफर नीलोफर, और उसने मेरी आवाज़ सुनी भी, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फिर क्या, उसने रिक्शा पकड़ी और मैं उसके रिक्शा के पीछे पागलों की तरह भागा और मैं चिल्लाया नीलोफर रुको नीलोफर रुको, खुदा के लिए रुक जाओ, अरे इमरान के लिए रुक जाओ, रेहान के लिए रुको। लेकिन मेरी एक बात नहीं सुनी उसने और निकल ली वहां से। इमरान नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, तेरी नीलोफर ऐसा नहीं कर सकती। देखिए इमरान, तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन तेरी ये जो बीवी है ना नीलोफर, वो तेरा दर्द नहीं समझ सकती। ऐसा नहीं कर सकती। तू रुक, मैं आता हूँ। लाश इतनी सड़ गई है कि पहचाना नामुमकिन है। मौत की वजह डॉक्टर? स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाकर मारा गया। मर्डर। बॉडी पर कपड़े नहीं थे डॉक्टर। ये बिछिया दाहिने पैर की दूसरी उंगली पर थी, आइडेंटिफिकेशन के लिए यही एक चीज थी लाश पर जो आपके काम की होगी। विक्टिम की एज क्या होगी डॉक्टर? लगभग 40 से 45 के बीच। 40 से 45 साल की अधेड़ उम्र की औरत, कम से कम 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते पहले। 25 वर्षीय पीड़ित की उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष। फिर एक बार तकदीर की निर्दयता सामने आई, जिसकी वजह से नीलोफर मिसिंग केस का सच सामने नहीं आ पाया। अरविंद जी, 40 से 45 साल की जितनी भी मिसिंग महिलाएं हैं सबकी केस फाइल निकलवाओ, जोन के सभी पुलिस स्टेशन में खबर भिजवा दो लाश की। लाश की कंडीशन बहुत बुरी है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द से जल्द हमें क्रियाकर्म करवाना होगा लाश का। जी सर। इमरान चारकोप गया और वहां अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढने लगा। दिन रात लगातार कोशिश करता रहा, हर गली हर सड़क छानता रहा कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी मिल जाए। पहले अम्मी को बुलाओ तभी सोऊंगा मैं। क्यों जिद कर रहा है बेटा? अम्मी आएंगी ना तो जगा दूंगा मैं तुमको। इमरान के लिए रेहान को संभालना भी आसान नहीं था। रेहान बार बार सवाल करता कि आखिर अम्मी मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वसीम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता रहा, एक भयंकर जुर्म को छुपाकर एक झूठ को जीता रहा। नीलोफर भाभी का कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं पता चला। इस संगीन जुर्म में उसका साथीदार हसन, वसीम की छोटी बहन मिनास का पति, अपनी जुबान पर ताला लगाए बैठा था। पर बहन मिनास को भी इमरान की बड़ी फिक्र थी। नीलोफर की कोई खबर मिली? नहीं। उसी तरह कातिल वसीम की पत्नी शाजिया को भी अपनी देवरानी नीलोफर के गायब होने को लेकर बहुत दुख था।
इमरान के जोर देने पर वसीम ने इमरान को एक झूठ मूठ के स्थान को वो जगह बताई जहां उसने नीलोफर को देखने का झूठ बोला था, और फिर एक बार इमरान पागलों की तरह नीलोफर को ढूंढने में लग गया। सर, पिछले 15 दिनों में 4 केसेस आए मिसिंग के औरतों के, जिनकी उम्र 40 से 45 के बीच है। इनमें से 3 ट्रैक डाउन हुई हैं और अपने घर भी पहुंच गई हैं। और चौथी? सर, उस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी बॉडी पाई गई थी और शिनाख्त भी हुई थी। तो फिर हमारे ताबे में जो 40 से 45 साल की औरत की लाश है वो किसकी है? सर, मैंने फिर से एक लुकआउट इशू किया है, हो सकता है वो औरत गायब हुई हो और किसी ने उसके बारे में कंप्लेंट भी ना की हो। इस कत्ल को हुए बहुत टाइम हो गया है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। अरविंद, आपने बोला था ना कि एक हफ्ते के बाद छोड़ देंगे, हाँ तो क्यों नहीं छोड़ रहे उसको? बोला उनसे क्या गुनाह क्या किया है? मैं बोलती ना, मेरा बच्चा ऐसा है नहीं। हाँ बोलो। मतलब मुल्का ऐसा करना रस नहीं। साहब, मेरी बीवी नीलोफर वो चारकोप में कहीं है। तो आपने शायद हमें पहचाना नहीं। साहब, हम लोग आए थे ना मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। नीलोफर ये मेरा छोटा भाई है इमरान, इसकी बीवी खो गई है। कब लिखाया था? डेट बोलो। 8 जुलाई को साहब। 8 जुलाई। नीलोफर, उम्र 25 साल, रहीमपुरा कुरला। हमने इसकी फोटो भेजी है सारे थाने में, ढूंढ रहे हैं हम इसे। साहब, मेरे भाई वसीम ने उसे चारकोप साइड में कहीं देखा था। तुमने? जी साहब। तो फिर रोका क्यों नहीं? अरे क्या रोका नहीं साहब, मैंने कितना चिल्लाया, पागलों की तरह चिल्लाया साहब, उसके रिक्शा का पीछा भी किया, लेकिन उसने मुझे देखा भी और मुझे देखते ही मुंह पलट लिया, फिर चली गई रिक्शा। साहब, कुछ तो अटपटा है। अटपटा मतलब? मतलब ये कि मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती, जरूर किसी ने उसको धमकाया होगा इसलिए ऐसा कर रही है वो। ये मेरा भाई है लेकिन मानने को तैयार नहीं मेरी बात। साहब, इसमें ना मानने वाली बात क्या है? वो ऐसा क्यों करेगी साहब? हमारे बीच में ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि वो घर छोड़ के चली जाए, ना हाल में और ना पहले कभी हुआ। हमारे बीच में सिर्फ प्यार था साहब, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार। हमारे बच्चे को वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। अब आप सोचिए, अपने अपने बच्चे को एक माँ छोड़ के क्यों जाएगी? देखो इमरान, यहाँ रोज एक से एक केसेस आते हैं जो हमें अंदर तक हिला देते हैं, इंसान क्या क्या कर सकता है। मैं दलील करता हूँ आपसे साहब, वो चारकोप में कहीं उसको ढूंढ लीजिए, एक बार वो मिल जाएगी ना तो वो खुद ही बताएगी कि मामला क्या था, और अगर वो सामने से बोलेगी कि उसको मेरे साथ नहीं रहना ना साहब, तो मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी उसको मुड़ के नहीं देखूंगा। देखो इमरान, चारकोप पुलिस स्टेशन में पहले केस की डिटेल्स और तस्वीरें भेज दी गई हैं, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो चारकोप में देखी गई। देखिए मैं, दिल पे पत्थर रख और बुला दे उस औरत को, वो अब वापस नहीं लौटने वाली। इमरान से बात हुई मेरी, बोल रहा था कि उसके बड़े भाई वसीम ने हमारे नीलोफर को मुंबई के किसी दूसरे हिस्से में देखा था, उसने आवाज तक लगाई लेकिन उसने पहचाना तक नहीं, बस पता नहीं कहीं भाग निकली। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को, हमारी नीलोफर ऐसी पागलों वाली हरकत कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं कर सकती? क्या हमने उसका पागलपन देखा नहीं जब वो ये घर छोड़कर इमरान के साथ भाग गई? कहीं इमरान ने ही तो कुछ कर नहीं दिया हमारी बच्ची को? पुलिस और परिवार वाले हर तरह का अनुमान लगा रहे थे कि नीलोफर के साथ क्या हुआ हो सकता है, और दूसरी तरफ नीलोफर का कातिल वसीम अपने भाई की भावनाओं के साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक करता जा रहा था। आज जो भी हुआ है उसके बाद भी तूने नीलोफर का इंतजार किया ना, तो तू बेवकूफ नहीं पागल भी कहलाएगा। क्या हुआ आज? आज भी देखी तेरी नीलोफर, आज यहाँ देखी अंधेरी स्टेशन पर। कुछ बात हुई आपकी? अरे बात तो तब होती जब तेरी नीलोफर रुकती ना, आज भी वही हुआ जो पिछली बार हुआ था। जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा मैंने चिल्लाया नीलोफर नीलोफर, मेरी आवाज सुनी उसने, पलट के देखा और चोरों की तरह भागने लगी, चढ़ गई ब्रिज पर। अरे फिर भी मैं नीचे से चिल्लाया नीलोफर रुको एक बार तो बात कर लो, अरे पागल की तरह चिल्लाया और सब पब्लिक मेरे को देख रही थी। फिर? अरे फिर क्या, देखा तो तेरी मैडम सामने खड़ी थी प्लेटफॉर्म पर,
अरे मैं तो पटरी क्रॉस करके उसको पकड़ के तेरे पास लाने वाला ही था, लेकिन सामने की पटरी से ट्रेन आ गई ना, और तेरी नीलोफर बैठ गई वो ट्रेन में, चल पड़ी कांदीवली की ओर। हुसैन भाई ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? क्योंकि वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती इमरान, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये भी है वो रेहान को पीछे छोड़ गई है। क्या हुआ इसका मतलब? हाँ, वो जिंदगी भर तेरे पास लौट के नहीं आने वाली है, और उसने सिर्फ तुझे नहीं तेरे साथ साथ तेरे खून रियान को भी ठुकरा है, और ये बात कभी भूलना मत। वसीम भाई जो कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक है। अब नीलोफर भाभी वापस नहीं आना चाहती तो उन्हें जबरदस्ती से तो नहीं लाया जा सकता ना, प्यार के रिश्तों में कैसा जोर। मैं तुझसे बड़ा हूँ तभी बोल रहा हूँ, जब से ये हादसा हुआ ना तब से ना तो तेरा काम में ध्यान है ना तो दुरेहान की परवरिश ठीक से करता है। दिल छोटा मत कर, हम सब गाँव चलते हैं, मैं शाजिया फहीम और तू भी चल, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाएगा। हम सब रहेंगे अम्मी अब्बू के पास, खेती बाड़ी करेंगे और तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढेंगे, हाँ, जो ऐसी मनहूस ना हो, तेरी जिंदगी सवार ऐसी हो। अब आपको काम पे नहीं जाना, चलिए चलिए। आप लोग मेरा भला चाहते हैं मुझे पता है, लेकिन जब तक नीलोफर मेरे सामने आके अपनी नाराजगी का कारण नहीं बता देती मैं ऐसे ही तड़पता रहूंगा। नीलोफर भाभी तेरे सामने आकर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तू मेरा भाई है इसलिए तुझे ये सब नहीं कह रही। एक औरत को चाहे किसी मर्द को दूसरों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, और नीलोफर भाभी जहां भी है जिसके साथ भी रहे खुश रहे, पर तुझे अपनी जिंदगी बनानी है बनानी है। मुझे सोचने का वक्त हो। अब ज्यादा वक्त नहीं है इमरान तेरे पास, एक बात समझ ले, तू जो भी फैसला लेगा तुझे सबसे बड़ी अहमियत रेहान की जिंदगी को देनी होगी। अरे क्या बात है नदीम मियां, दिखते नहीं आजकल, ईद का चांद बन गए हो। शहर छोड़ रहा हूँ वसीम। हाँ वैसे मुंबई में कुछ रहा भी नहीं, मैं और इमरान भी सोच रहे थे बम्बई छोड़ के गांव चले जाते हैं। सही है, पहले अपने मन की भड़ास निकाल ली और अब बेचारे अपने छोटे भाई की जिंदगी में मसीहा बन रहा है। दोस्त है ना इसके लिए सुन लो, और कुछ कहा तो बोल, धंधे का टाइम धंधा कर मत कर, नाम बदल शहर बदल कुछ भी बदल, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे। कैसे जवाब? एक तो क्यों तूने अपने सगे भाई की बीवी को मरवाया, और दूसरा मुझे क्यों उसने पैसे का लालच देके फंसाया? ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, तू भी अपने मतलब से आया था। हाँ साले आया था मतलब से, लेकिन मतलब तो हल हुआ नहीं ना। कभी कभी दिल करता है पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूं। ये मत भूलना कि तू भी इस खून में बराबर का भागीदार है। मेरे बारे में चूंकि चाकी ना तो इतना याद रखना, जितने साल के लिए मैं जेल में जाऊंगा उतने साल के लिए तू भी जाएगा। इसलिए चुप बैठा हूं, लेकिन तू चुप नहीं बैठ सकता वसीम, आज तुझे बताना ही पड़ेगा क्यों तूने अपने ही छोटे भाई की बीवी को इतने खौफनाक तरीके से मार डाला, और अब उस बेचारे को दर्द पे दर्द दिए जा रहा है, क्यों? सब कुछ जानना चाहता है पूरा सच। एक शादीशुदा आदमी ने अपने छोटे भाई की पत्नी का कत्ल क्यों कर दिया था, और अब अपने भाई को इतनी यातनाएं क्यों दे रहा था, और कत्ल के बाद उस आदमी ने उस औरत की लाश के साथ इतनी विकृत हरकत क्यों की थी? जाहिर सी बात थी कि इस नाराजगी इस भयंकर गुस्से की जड़ अतीत में थी, पर क्या थी ये जड़? और इस अतीत के खुलासे के अलावा एक सवाल यह भी है
कि क्या इमरान को कभी नीलोफर की हकीकत पता चल पाएगी, क्या पुलिस इस केस को हल कर पाएगी जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सीरियस गलती हुई थी जिसमें एक 25 वर्षीय जवान औरत नीलोफर को लगभग 40 से 45 वर्षीय अधेड़ उम्र की औरत बताया गया था। हम लोग और नीलोफर एक ही गांव से थे, मुनीबगंज मेरठ जिला, कुछ 5 साल पहले की बात। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था हमारा। वसीम, वसीम। हाँ साहब। दो पापड़ी देना। हाँ दे रहा हूँ। बड़ी मुश्किलात थी जिंदगी में, पर घर का माहौल हमेशा खुश रहता। और फिर हमारी जिंदगी में ये नीलोफर आ गई। हमें से किसी को मालूम नहीं था कि नीलोफर मेरे छोटे भाई इमरान के दिमाग में कीड़ा बनकर घुस गई थी। अमजद भाई, अरे वो जरूरी काम याद आ गया, पटा के आ जाऊं क्या? अरे इमरान आज इतवार है, इतना काम यूं ही रहता है। वो देख, 4 साइकिल मैंने लेके रखी है ठीक करने के लिए, अब बीच में काम छोड़ के कहाँ जाएगा तू यार? अमजद भाई साइकिल का टेंशन मत लो, मैं आके सब कर दूंगा, बहुत जरूरी काम था, 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। जा, लेकिन काम पटा के जल्दी आना। हाँ हाँ पक्का। इमरान कैसे आना हुआ? हेलो भाई, सब खैरियत तो है? जी जनाब, सब खैरियत है। जनाब वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। बोलो क्या बात है? मैं निकाह करना चाहता हूँ नीलोफर से। अबू, मैं भी इमरान से निकाह करना चाहती हूँ। जावेद, तेरा बेटा आया था मेरी बेटी नीलोफर का हाथ मांगने के लिए, या उसको पता नहीं है कि तुम लोगों की बिरादरी अलग है हमारी अलग? हाँ, हम लोग इज्जतदार लोग और तुम लोग सलील। कोई और होता जावेद मियां तो बोटियां कटती। इतवार की सुबह है, हम खराब नहीं करना चाहते। इमरान भाई, मेरे बेटे से गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। गलती सिर्फ एक बार होती है, अगली बार हुई ना तो गुना, और हर गुना की सजा होती है। और इसको जवानी चढ़ी है ना इतनी, तो अपनी बिरादरी किसी लड़की को बांधे इसके पल्ले। फिर अगर मेरी बेटी के पीछे दिखाई दिया ना तो इस दुनिया में नहीं दिखेगा। बस चल। इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है ये, क्या है ये? अब्बू, मैं नीलोफर से प्यार करता हूँ। अरे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब्बू, इमरान दंगे छिड़ जाएंगे, सोचना भी मत। अरे बिरादरी वाले हुक्का पानी बंद कर देंगे। अरे उनकी बिरादरी अलग है, हमारी बिरादरी अलग है, कुछ दिमाग चलता है कि नहीं तेरा? अब्बू, मैं और नीलोफर ये जात पात नहीं मानते, अल्लाह ने सबको एक बराबर बनाया। ये सारी बातें सिनेमा में होती है, गाँव देहात में जात बिरादरी सब मानना पड़ता है। मेरी बात मान, उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए दिल से निकाल दे।
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे इमरान के निकाह से। उन लोगों की जात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग तो जश्न ही मनाएंगे कि बड़े घर की बेटी लाए हैं। लेकिन हमारी बिरादरी में सिर्फ नाक नहीं कटेगी, गले भी कटेंगे। मैं खुद काटूंगा अब्बू, एक बार भी अगर तुम दोनों को साथ देखा तो भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है और वो इमरान साला इंसान। चाहे फांसी हो तो हो, लेकिन ये निकाह कतई ना होगा। उस दिन के बाद इमरान और नीलोफर को गांव में किसी ने साथ नहीं देखा। रातों रात दोनों भाग गए गांव छोड़कर। नीलोफर भगाकर ले गई मेरे भाई को। इमरान में तो इतनी हिम्मत थी नहीं, हमने उसे मना भी लिया था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, और वो मान भी गया था। लेकिन ये नीलोफर ने दिमाग घुमा दिया। फिर क्या करे कोई मरे कोई, वो दोनों तो भाग निकले, गालियां और ताने खाने पीछे हम रह गए। हिसाब के बाहर बेचती हुई हमारे खानदान की, कोई मुझे काम नहीं देता था। अब वो जहां जाते वहां गालियां पड़ती। मेरी अम्मी और शाजिया को हमारी बिरादरी की औरतें जलील करती। हमारी बिरादरी में हम मजाक बन चुके थे। गांव में सब लोग ताने मारते थे, देखो देखो बड़े जात वालों की बेटी को पकाकर बड़े बनने निकले। जीना दुश्वार हो गया था हमारा गांव में, इसलिए मैं साजिया को लेकर मुंबई चला आया। अरे भैया एक डबल ऑमलेट बना के देना। भाई वो गैस खत्म हो गया, थोड़ी देर बाद आना। फिर यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा था, किस बात पे नाराज था तू? 1.5 साल पहले सबको ऐसा लगा कि सब कुछ सुलझ गया। इमरान गाँव लौटा, फिर एक दिन गांव से उसने मुझे मुंबई फोन किया। हेलो वसीम भाई। इमरान? हाँ वसीम भाई। इमरान कैसा है तू है कहाँ पर? ना कोई फोन ना कोई खबर, खैरियत तो है? हाँ वसीम भाई सब सब एकदम ठीक ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ वसीम भाई। वसीम भाई मैंने और नीलोफर ने निकाह कर लिया गांव से भागने के बाद। हम लोग वापस गांव आए। बावला हो गया तू? अरे वो लोग मार डालेंगे तेरे को, तुझे तेरी बीवी को। नहीं वसीम भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। नीलोफर के घर वालों ने हम दोनों को अपना लिया है। क्या तुम्हें अपना लिया लोगों ने? गांव से भागने के बाद नीलोफर अपनी अम्मी से लगातार फोन पे बात करती थी। फिर जब उनको रेहान के बारे में पता चला तो उन लोगों ने हमको माफ कर दिया और हमें वापस मिलने को बुलाया है। वसीम भाई हेलो। वसीम भाई आप चुप क्यों हैं? मैं क्या बोलूं इमरान, बहुत याद आती है आपकी। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है भाई। अच्छा वसीम भाई मैं सोच रहा था कि मैं भी मुंबई आ जाऊं आपके पास, वहां के कुछ काम हम कर लूंगा। यहाँ मुंबई में इतना आसान नहीं है भाई। यहाँ गाँव में भी तो कुछ करने को नहीं है वसीम भाई। मुंबई आ जाऊंगा तो वहाँ पे आप हैं, मिनाज है, और आप लोगों को रेहान से भी तो मिलवाना है ना, आखिर आपका ही तो खून है। बस एक आप ही बाकी रह गए हैं जिनसे मैंने और नीलोफर ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। अरे छोड़ माफ़ी वाफी, मैं तुझसे कभी नाराज़ था ही नहीं। मेरा तू छोटा भाई है मेरा, आजा मुंबई आ जा, तेरा भी घर बसा देंगे। इमरान पर मुझे कभी गुस्सा नहीं था, नफरत थी तो सिर्फ उस नीलोफर से, क्योंकि उसी की वजह से हमारे खानदान की बर्बादी हुई थी। चलो ठीक है, अब तो सब सही हो गया। धीरे धीरे इमरान की जिंदगी भी पटरी पर लौट आएगी, और मेरे दिल में भी जो बड़ास थी वो निकल गई उस इतवार को। अब सब सही हो गया, अब सुकून मिलेगा अंदर से। बस अब तू सिर्फ अपना मुंह बंद रखना, तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि नीलोफर के साथ क्या हुआ था। चल रहा है। अगर अम्मी लौट कर आ गए तो? अब वो लौट के नहीं आएंगे। क्यों? शायद वो आना ही नहीं चाहती है। चल
शाजिया, दो मिनट रुकना, मैं चाबी दे के आता हूं। मैं नीलोफर से रोज बात करती थी, कभी उसने कोई भी बार ऐसा जिक्र नहीं किया कि कोई परेशानी है उसे। नीलोफर जब तक मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं बोलती, तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। कहाँ खेल रहा है ये? आइए रेहान भैया, हम आपको बाइक पर घुमा के लाते हैं, चलिए। अच्छा क्या खाएगा? आइसक्रीम खाएगा कि चॉकलेट? सोच लो बेटा, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आखिर कब तक इंतजार करोगे नीलोफर? तुम तो खैर अपने गम में डूबकर जिंदगी जी लोगे, कभी उस मासूम रेहान के बारे में सोचा? उसके दिल पर गहरा घाव लगा है, अम्मी छोड़कर गई है उसकी। जब वो घाव कौन भरेगा? अकेले कहां से संभालेगा रेहान को? अरे उसे अम्मी की जरूरत है, और तुझे भी तो जिंदगी के लिए कोई चाहिए कि नहीं? अकेलापन जान पे आता है। एक काम करते इमरान, हम लोग यहाँ गांव में खुद का कोई काम शुरू करते हैं, और एक बार तेरा काम में मन लगना शुरू हो जाएगा तो पुरानी सारी बातें भूल जाएगा तू। जी सर। अरविंद, वो बिछाली औरत के केस का क्या स्टेटस है? सर पिछले हफ्ते अखबारों में इश्तेहार दिया था पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 3 महीने से मॉर्ग में पड़ी है लाश, बिल्कुल लावारिस, किसकी हो सकती है? इंस्पेक्टर मैं समझता हूँ कि लाश को अब तक कोई क्लेम करने नहीं आया है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम मॉर्ग में भी इस लाश को ज्यादा देर नहीं रख सकते। डॉक्टर देखिए, अगर हम लाश को लावारिस समझ कर डिस्पोज कर देते हैं और उसके बाद कोई क्लेम करने आता है तो ठीक नहीं होगा। ओके इंस्पेक्टर, थोड़े दिन वेट कर लेते हैं। अरविंद। जी सर। एक बार फाइनल ट्राई करते हैं, अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दो, इस लाश को एक नाम मिलना चाहिए। नीलोफर किसी के साथ भागी तो मुझे उसके ऊपर कभी शक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू उसके प्यार में अंधा हो गया था ना। चल छोड़, जो हुआ उसे भूल जा। देख, एक लड़की है मुमताज, अच्छी है, तेरे रेहान के लिए सही अम्मी बनेगी और तेरे लिए सही बीवी और अपनी बिरादरी की भी है। अगर उसको मेरी जिंदगी से जाना ही था तो बोल देती, मुझे तलाक ले लेती। देखिए इमरान, अतीत को तलाक दे दे और आने वाले कल के साथ निकाह कर ले, और तेरा आने वाला कल मुमताज है। नीलोफर का कत्ल आखिरी कदम था, उससे पहले वसीम ने इमरान और नीलोफर को अलग करने की कई कोशिशें की थी। आप
सोच मत। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निलोफर से कैसे पूछूं। कुछ पूछना क्यों है, बस छोड़ दे। छोड़ दे इमरान, तू रात रात भर जाग कर हाँ दिन रात डबल ड्यूटी करता है, और वो तेरी निलोफर तेरे जाने के बाद बन ठन के निकल पड़ती है। सिंह भाई आप, आपने देखा कभी सुना कुछ? देखने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझदार आदमी को चाल चलन देखकर सब समझ में आ जाता है। कहाँ जाती हो मतलब? मतलब ये कि जब मैं ड्यूटी पे होता हूँ तो तुम कहाँ रहती हो? घर पर ही रहती हूँ इमरान, पर तुमने पूछा कि कहाँ जाती हो। हाँ मतलब कहाँ जाती हो? तुम तो पूरे दिन ड्यूटी पे होते हो ना इमरान, इसका मतलब जरूर किसी ने कुछ कहा है ना तुमसे मेरे बारे में। नाम बताओ इमरान, किसने कहा है तुमसे? नहीं किसी ने बोला नहीं, वो मैं अपनी मर्जी। इमरान मैंने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ ना गांव छोड़, पर शक मत करो इमरान, दर्द होता है। पर मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ। प्यार से पहले भरोसा आता है इमरान, मुझ पर शक करके मेरा तुम पर से भरोसा मत हो। कोई औरत सामने से अपने शोर को कैसे भूलेगी कि उसका चक्कर चल रहा है। वसीम भाई नीलोफर मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर सचती किसके लिए? सचती है कि मतलब क्या है? मेरे जाने के बाद सच दच के जाती कहाँ? हर दूसरे दिन देखता हूँ, आज भी देखा, ऐसे ही तराकर चल रही थी, ऐसे कपड़े पहने थे। देखा है कभी तेरी शाजिया भाभी को, हमारी बहन मीनाज को देखा है ऐसा? नहीं। बस तो फिर मर्द बन मर्द, दे दे उसे तलाक, वो लड़की तेरे लिए कभी सही नहीं थी, ना पहले ना अभी। एक दिन ऐसा चांसे मिलेगी ना तुझे, बर्बाद कर देगी। क्या हुआ इमरान? जो फिर एक बात पूछूं, ऐसी बताओगे? क्या पूछना चाहते हो इमरान? तुम सच सच बताओगे इमरान कि वो कौन इंसान है जो तुमसे ये कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कहीं जाती हूं? वसीम भाई, वसीम भाई ने देखा तुमको सच धज के जाते हुए। कहाँ जाते देखा है वसीम भाई ने मुझे? पता नहीं, शायद किसी से मिलने। किससे मिलने जाता देखा है इमरान? नाम बताओ, वसीम भाई ने नाम भी तो बताया होगा ना। चुप क्यों, नाम बताओ ना किससे मिलने जाती हूँ। वसीम भाई नाम बताइए, आपने मुझे किसके साथ देखा है? मैं क्यों बताऊँ, तू बता। गुलशन तू उड़ा रही है ना, बता आपने आशिक का नाम। हद में रहिए वसीम भाई, अपनी भाई की बीवी पे इतना घटिया इंजाम। इज्जत से बात कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इज्जत उतारना नहीं आता। इमरान के भाई ना होते ना तो क्या? तो औकात दिखा देती तेरे पति को। शाजिया बंद कर अपनी बकवास, तू बड़े बाप की बेटी होगी अपने घर में, यहाँ जुबान ना लड़ा, ये मेरा घर है। तेरा घर है ना, तो तेरे इस घटिया पति की जुबान पे लगाम नहीं ताला लगा दे ताला। अरे तुम जैसा बड़ा भाई होने से अच्छा तो बड़ा भाई हो ही ना जो अपने छोटे भाई का घर उजाड़ना चाहता है। अरे चुप कर, सबको पता है घर कौन उजाड़ रहा है, और एक ना एक दिन मेरे भाई इमरान को भी समझ में आ जाएगी बात कि तू कितनी बचरन और बेशरम औरत है। तो जैसा बेशरम आदमी शर्म की बात करे ना समझ में नहीं आता। बस कर निलोफर, बहुत हो गया, बस कर, निकल तू यहाँ से, निकल और अपना घर संभाल, यहाँ वहाँ मुंह मारना बंद कर। मुंह मैं नहीं मारती, मुंह ये तेरा लीचड़ पति मारता है। कायर कहीं का मेरे अब्दुल भाई और अब्बू के सामने ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठा था, यहाँ मेरे सामने शेर बन के खड़ा है, फूट डलवाना चाहता है मेरे और इमरान के बीच में। थोड़ा तुझ पे हम लोग रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देते इन लोगों से? देखा आपने अपने छोटे भाई की बीवी को कैसे जलील करके गई। शाजिया रिश्ता कैसे तोड़ दूं, इमरान खून है मेरा, भाई है मेरा छोटा, ये औरत उसके लिए ठीक नहीं है, ये बात समझता नहीं है बेवकूफ। वसीम भाई हमेशा हमारे बुरे वक्त पे साथ दिए, हमारी बहुत मदद किया उन्होंने। तो क्या वो मेरे बारे में इतनी गंदी और भद्दी बातें बोलेंगे? माफी तो मांगनी होगी निलोफर। मैं भी वही कह रही हूँ इमरान, माफी तो उन्हें मुझसे मांगनी होगी, वो भी उन्हें और शाजिया दोनों को माफी मांगनी होगी मुझसे मेरे घर आकर। अगर वो नहीं होते ना
तो ये घर ही नहीं होता। आज मैं मुंबई में खड़ा हूँ तो सिर्फ उनके बदौलत। ये घर हम दोनों ने बनाया, अगर उन्होंने मकान दिखा दिया तो कोई एहसान नहीं किया हम पे। और वो जो हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश करे, हमारा घर तोड़ने की कोशिश करे, वो तुम्हें दिखाई नहीं देता। क्या रिश्ते की बात कर रही हो तुम? इतना कमजोर है हमारा रिश्ता? नहीं इमरान, बहुत भारी कीमत चुकाई है हमने हमारे रिश्ते की। अरे बाहर की दुनिया के रंग देखे हैं मैंने, पर अगर कोई अपना ही हमारे रिश्ते पे वार करना चाहे तो हमारा चौकन्ना रहना तो बनता है ना। कोई जरूरत नहीं तुमको चौकन्ना रहने की। वसीम भाई हमारा भला ही चाहते हैं, बहुत मदद किया उन्होंने हमारी। अभी सीधे सीधे चलो उनसे माफी मांगो, हमसे बड़े हैं वो। तू सच में अंधा और बहरा हो चुका था, ना कुछ देखा ना कुछ सुना। देख भाई अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, पूरी की पूरी जिंदगी बाकी है, समझ और संभाल अपने आप को, नए सिरे से जीना शुरू कर, हमेशा खुश रहेगा। नीलोफर को पहले से अंदेशा हो गया था कि उसका जेठ वसीम उसके और उसके पति इमरान के बीच दरार डालने की फिराक में है, लेकिन इमरान इस सच को कभी देख ही नहीं पाया और अब शायद ये मानने लगा था कि नीलोफर वाकई में उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। उसे अपने ही बड़े भाई द्वारा खेला गया खेल नजर नहीं आ रहा था और इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि आखिरकार नीलोफर के साथ क्या हुआ था। पर क्या यह सच्चाई कभी दुनिया के सामने आ पाएगी? इंस्पेक्टर 3.5 महीने हो चुके हैं और हमने उस बिछे वाली औरत की लाश अब तक संभाल कर रखी है। आई नो डॉक्टर, आई नो, लेकिन हाथ खड़े करने का दिल नहीं कर रहा। एक 40 से 45 साल की औरत का कत्ल हुआ है, वो भी इतने भयंकर तरीके से। मैं उसकी शिनाख्त करा कर उसके कातिलों को पकड़ना चाहता हूँ, उस औरत को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मेरा एक सुझाव है। क्या डॉक्टर? अपने जेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है। वो भी क्या करेंगे, लाश का चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका है। हमारी नजरों में वो चेहरा सड़ गया है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट उस सड़े हुए मांस से एक पहचानने लायक चेहरा बना सकते हैं। मैं उनके पास बॉडी भेज देता हूँ, शायद कुछ बन जाए टेबल पर और फिर कोई पहचान ले। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इंस्पेक्टर काफी मतलब काफी ज्यादा बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, मुश्किल लगता है। आई नो डॉक्टर सुनावने, ये मेरी आखिरी कोशिश है इस केस को सुलझाने की। मैं इस केस को अनसोल्व क्लोज नहीं करना चाहता। वैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है ट्राई करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। यस डॉक्टर सुनावने, एनीथिंग पॉजिटिव? पॉजिटिव है या नहीं ये कह नहीं सकता, बट पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था उसमें एक रीडिंग गलत है। कैसी रीडिंग डॉक्टर? फर्स्ट पोस्टमार्टम के हिसाब से विक्टिम की एज 40 से 45 साल बताई गई है, बट मैंने ऑसिफिकेशन टेस्ट किए है जिसके मुताबिक विक्टिम 22 से 28 के बीच की है। व्हाट, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? ऐसा हो सकता है, अक्सर होता है। बॉडी इतनी ज्यादा फूल चुकी थी, इतनी ज्यादा सड़ चुकी थी कि मिसकैलकुलेशन हो सकता है। आपकी करंट रीडिंग एकदम करेक्ट है? इंस्पेक्टर मैं गारंटी दे सकता हूँ, मैंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की है, सारे टेस्ट रिपीट भी किए हैं। विक्टिम 22 और 28 के आसपास की है। फिर तो मौत की टाइमिंग में भी मिसकैलकुलेशन हुई होगी। नो, मौत की टाइमिंग सही लिखी गई, लाश मिलने के 3 से 7 दिन पहले कत्ल हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। अरविंद को बुलाओ जल्दी। अरविंद, हम गलत दिशा में ढूंढ रहे थे, वो बिछिया वाली औरत 40 से 45 साल की नहीं बल्कि 22 से 28 साल की। लेकिन सर पोस्टमार्टम? वो भी हमारी तरह इंसान है अरविंद, 19-20 गलती हो जाती है। उन्होंने अपनी गलती सुधारी, अब हमें अपनी गलती सुधारनी है। 22 से 28 साल की औरतों के जितने भी मिसिंग केस हैं सबकी फाइल खोलो। सर बॉडी हमें 10 जुलाई 2015 को मिली थी, तो 28 जून से ढूंढना शुरू करूं? सर ये मालती तांबे, उम्र 24 साल, 2 जुलाई से गायब है। तबस्सुम शेख 24 साल, 4 जुलाई से गायब है। इन दोनों के अलावा कोई केस हो? सर ये नीलो पर, इन तीनों की फैमिली को हाजिर करो। ठीक है सर। सर मालती तांबे और तबस्सुम शेख ये दोनों अपने घर लौट गई थी, और उनके घर वालों ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। तीसरी नीलोफर जी, उसकी फैमिली अभी तक ट्रेस नहीं हो पाई है। शिफ्ट में? जी सर, हमें 2 नंबर दिए गए थे, एक उसके पति इमरान का और इमरान के बड़े भाई वसीम का, दोनों नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। एड्रेस क्या था? वो जो इमरान भाई यहाँ रहते थे ना, बहुत ही दुखी हो गए थे बेचारे। क्या हुआ था?
दरअसल उनकी जोरू नीलोफर वो गायब हो गई थी ना, तो वो लोग सब छोड़ छाड़ के चले गए, अपने गांव चले गए हमेशा के लिए। उनका गांव कौन सा है? ये तो नहीं मालूम साहब। हाँ वो लोग यूपी के थे। अच्छा, इनके बारे में और कोई कुछ मुझे बता सकता है? उनके बड़े भाई वसीम भाई भी यहीं रहते थे, मगर वो भी छोड़ के चले गए। और इमरान भाई और वसीम भाई की बहन मिनाज भी यहीं कहीं रहती थी, मगर वो भी अपने पति और बच्चे के साथ चली गई गाँव। मतलब ये सब किराए के मकान में रहते थे? हाँ। उनका मकान मालिक कौन है? इस पूरी बस्ती का एक ही मकान मालिक है, ये नंबर लीजिए। बात हुई मकान मालिक से, पेपर वर्क नहीं हुआ था, किराया कैश दिया जाता था, और ये तीनों फैमिली एक के बाद एक यूपी निकल गई। याद आया मुझे दोनों भाइयों का चेहरा। एक की पत्नी गायब हुई थी, जवान सा था, और उसका एक बड़ा भाई भी था, कह रहा था कि कहीं भाग गई होगी। करेक्ट सर, बड़े भाई ने नीलोफर को चारकोप में देखा था और दोबारा उसे अंधेरी स्टेशन पर देखा था, लेकिन नीलोफर रुकी नहीं, भाग गई थी। उसके पति को समझाया भी था मैंने कि जैसे खुद से होकर भागी है वैसे खुद से वापस भी आ जाएगी। पति काफी दुखी सा लग रहा था। अर्जुन, इस फैमिली को ट्रेस करता है, भले एक बार फिर से अंधी गली क्यों ना। सर, ये भाई लोग जहाँ रहते थे उनके मुस्लिम कम्युनिटी में ऑपरेट करने वाले मेरे दो खास खबरी हैं, ये दोनों उनके गांव का नाम और मोबाइल नंबर निकलवा सकते हैं। देखो भैया, ऐसा है, ये जो इमरान है ना, इसने एक बार अपना लव स्टोरी सुनाया था, बड़ा जबरदस्त है। भैया क्या बात है, हमें भी बता दो। नीलोफर जो है ऊंची जाति की है, तो निकाह तो हो नहीं सकता दोनों में। दोनों भाग गए और लखनऊ, और वहां जाके कर लिया निकाह। बच्चा हुआ, घर वालों को पता लगा तो मान गए, इसके बाद ही दोनों यहाँ मुंबई आ गए। वैसे यहाँ तो ठीक था ना मियां बीवी के बीच? हाँ अच्छा ही था, हमने तो कभी कुछ सुना नहीं। नीलोफर बड़ी शरीफ औरत थी, जब गायब हुई ना तो इमरान पगला सा गया। हाँ मैंने भी सुना, बेचारा। वैसे इनका गांव किस तरफ पड़ता है? हमारी तरफ के हैं, हम मेरठ से 3 किलोमीटर दूर दुआपुर के हैं, ये वसीम इमरान ये मुनीमगंज के हैं, 20 किलोमीटर दूर। वैसे वसीम इमरान इनमें से किसी का नंबर है आपके पास? नहीं भैया, गांव मुनीमगंज, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, लेकिन कोई फोन नंबर नहीं मिल पाया उनके। तुम एक छोटी टीम के साथ मुनीमगंज चले जाओ, वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। नीलोफर की अभी तक कोई खबर नहीं है। क्या आप लोगों को कुछ पता है साहब, कहाँ चली गई है वो? जानती नहीं कि उसके शौहर और उसके बेटे का बुरा हाल हो रहा है। जी नहीं, नीलोफर को तो हम नहीं ढूंढ पाए, पर हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मुंबई आ जाएं। क्यों? देखिए, कुछ 4 महीने पहले हमें एक लाश मिली थी, आप लोगों को चलकर देखना होगा, शायद नीलोफर की। इमरान तुम ही हो ना? हाँ साहब। नीलोफर तुम्हारी बीवी है? हाँ मेरी बीवी है। क्या हुआ साहब? अरे वो नीलोफर हो ही नहीं सकती। हाँ वो मेरी नीलोफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी नीलोफर मरी नहीं, वो जिंदा है। तो बस यही चाहता था कि वो जहां रहे खुश रहे, बस। मेरी नीलोफर मर नहीं सकती। मैंने मना किया था, पुलिस तक नहीं जाते, देखा क्या हुआ, शैतान की तरह पुलिस हमारी पीछे पड़ गई है, यहां तक पहुंच गई है, ये हमारे छोटे से गांव में। पुलिस वाले बोले मुझे उनके साथ आना पड़ेगा और मुझे जाना ही होगा। वसीम भाई आप भी चलोगे ना मेरे साथ? मुझसे अकेले नहीं होगा। तू मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है इमरान? अरे मैंने देखा है नीलोफर को, वो जहां भी है सही सलामत, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती। वसीम भाई फिर भी एक बार, सिर्फ एक बार चढ़ के देख लेते हैं ना, ताकि दिल को तसल्ली मिल जाए कि वो हमारी नीलोफर नहीं है।
मेरी नीलोफर नहीं है, मेरी नीलोफर इतनी मोटी कभी थी ही नहीं, ये मेरी बीवी नहीं है साहब। अच्छा, लाश के दाएं पैर की उंगली से एक बिछिया मिली है। ये नीलोफर ही है, ये उसकी दाहिनी जांघ का जन्म का निशान मैं पहचानती हूँ, नीलोफर ही है, नीलोफर बेटा। अल्लाह अच्छी है ना? हाँ, बढ़िया एकदम। ये वाली कितने की है? 1200। थोड़ी चुप सी रही है और इतनी खास भी नहीं लग रही मुझे, एक काम करिए रहने दीजिए। शुक्रिया, चलिए इमरान। अरे इमरान छोड़ो, अभी छोड़ो, रेहान के उठने से पहले सारा काम करना है। नहीं, पहले आंखें बंद करो। अरे अभी नहीं, बस खाना बनाने दो। बस एक सेकंड के लिए बंद करो इमरान, तुम भी ना। अच्छा चलो, जल्दी करो ना इमरान। ये क्या है? खोल के देखो। 1200 रुपए की थी इमरान। हाँ तो मैं पसंद भी तो आई थी, उसके बाद जो एक्टिंग हुई है ना, पसंद नहीं आ रहा है, चुभ रहा है, ये वो। लव यू। पांच जुलाई को वो घर से गायब हुई थी। जी सर, पड़ोसन ने बताया कि घर का दरवाजा ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। जब वो बच्चा घर पर आया तो देखा माँ नहीं थी, घर के अंदर जाकर देखा तो चूल्हे पर आधा पड़ा हुआ खाना ठंडा हो रहा था। फिर बच्चा पड़ोसन के पास गया, फातिमा नाम है उसका, वो उसे लेकर इमरान के बड़े भाई वसीम के घर गई, वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर उसके बाद उसने इमरान और वसीम की बहन मिनाज को फ़ोन किया। और फिर कई दिनों बाद इस बड़े भाई वसीम ने नीलोफर को देखा। सर मेरी डायरी में एंट्री है, 10 जुलाई को चारकोप में वसीम ने नीलोफर को देखा और 14 को रिपोर्ट की उसने। उसके बाद 21 जुलाई को उसने अंधेरी स्टेशन पर नीलोफर को फिर से देखा। 10 जुलाई को वसीम ने नीलोफर को चारकोप में देखा और उसी दिन हमें सड़ी हुई फूली हुई 3 से 7 दिन पुरानी लाश मिली नीलोफर की। जी सर। इंटरेस्टिंग। ब्लाउज अप। पुलिस ने नीलोफर के माता पिता और उसके भाई से बात की, मोहल्ले के सभी लोगों से बात की, इस जोड़े के अतीत की पूरी छानबीन की, लेकिन नीलोफर और इमरान के बीच की कोई भी अनबन उनके सामने नहीं आई। पता ही नहीं चल पा रहा था कि नीलोफर क्यों और कैसे गायब हुई थी और मारी क्यों गई। पर इस केस में पुलिस के पास बतौर सुराग एक झूठ था, एक साफ साफ नजर आने वाला झूठ। वसीम 10 जुलाई को तो चारकोप गया था, क्यों गया था? काम से गया था साहब। हाँ, लेकिन काम क्या था भाई? वो अभी याद नहीं है साहब। तो चारकोप में तूने नीलोफर को देखा, उसे आवाज लगाई और वो ऑटो में बैठकर भाग गई, है ना? हाँ साहब। और ये बात तूने अपने भाई इमरान को फोन पर बताई? हाँ साहब, जैसे ही मैंने नीलोफर को देखा वहां पे चारकोप में, मैंने तुरंत इमरान को मोबाइल करके बता दिया। और उसके बाद 21 जुलाई को तूने नीलोफर को अंधेरी स्टेशन पर देखा? हाँ साहब, तभी मैंने फोन किया इमरान को तुरंत। चारकोप में और अंधेरी स्टेशन पर जब तूने नीलोफर को देखा, उसे आवाज लगाई और वो मुंह छिपाकर भाग गई, तब तू अकेला था या कोई था साथ में तेरे? अकेला था साहब। जब 21 जुलाई को तूने अंधेरी स्टेशन पर नीलोफर को देखा तो तू कौन से प्लेटफॉर्म पर था और नीलोफर कौन से प्लेटफॉर्म पर थी? बहुत दिन हो गए ना साहब, अभी प्लेटफॉर्म याद नहीं है साहब। तू चारकोप क्यों गया ये बात तुझे याद नहीं है?
अंधेरी स्टेशन का प्लेटफॉर्म तुझे याद नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी बात थी। तूने अपने छोटे भाई की गायब बीवी को देखा था, और सिर्फ तूने देखा था। मैं भी यही सोच रहा हूं साहब, ये कैसे हो सकता है, जबकि नीलोफर तो पहले ही मर चुकी थी। सब हो सकता है, मैंने नीलोफर की हमशक्ल को देखा होगा, ऐसा हो सकता है ना? होता है सर, होता है सर। वसीम, ये जो फुटेज है ना, ये 21 जुलाई की अंधेरी स्टेशन की फुटेज है, सारे प्लेटफॉर्म्स की, सारे एंगल्स की। हमने इस फुटेज में नीलोफर को ढूंढा, मैं देखी नहीं, उसके बाद हमने तुझे ढूंढा, तू भी कहीं नहीं देखा। सब शायद मैं 21 तारीख को नहीं, 20 या 22 को गया रहूंगा शायद। हमें भी ऐसा लगा था, क्या है कि एक दो डेट ऊपर नीचे हो जाती है, इस वजह से हमने 19 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की सारी फुटेज चेक की, लेकिन उसमें हमें ना तो तू कहीं दिखा और ना नीलोफर। अब बोल, 19 जुलाई से पहले की और 23 जुलाई के बाद की भी फुटेज चेक करें? मैं क्या बताऊं साहब, सच बता दे वसीम। तेरा जो मुंबई का नंबर था ना, जिसे बंद करके तो गांव में भाग गया था, उसकी सारी डिटेल्स निकलवाई हमने। 10 जुलाई को तो कुरला में ही था, चारकोप तो दूर की बात है। ना तो चारकोप में था, ना अंधेरी में। नीलोफर तो दूर की बात, तूने नीलोफर की किसी हम शक्ल को भी नहीं देखा, सही कह रहा हूं? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गाय को पकड़े लो। अरे मैं तो कुछ बेकसूर हूँ यार, मेरे गाय। साहब, आप लोगों ने मेरे भाई को अंदर क्यों किया? तुम्हारे वसीम भाई ने नीलोफर को ना चारकोप में देखा था और ना ही अंधेरी में। हाँ तो साहब, किसी और को देखा होगा फिर उन्होंने। मेरी बीवी के मर्डर केस से मेरे भाई का क्या ताल्लुक? देखो इमरान, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला। नहीं साहब, वसीम भाई मेरे लिए बाप समान है, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब नीलोफर चली गई थी ना, तो उन्होंने मेरे को संभाला था। आप लोग उनको अंदर नहीं कर सकते। नीलोफर का कत्ल तुम्हारे वसीम भाई ने ही किया। नहीं साहब, ये क्या गलत गलत बोल रहे हैं आप लोग, ये सब झूठ है। 5 जुलाई इतवार का दिन था, दोपहर को कत्ल हुआ तुम्हारे वसीम भाई के घर। क्या बकवास है साहब, ये ऐसे कैसे हो सकता है? एकदम एकदम गलत बात है साहब ये। देखो, तूने जो अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ किया है ना, उसके हिसाब से मार कुछ नहीं है, हम ना तेरी खाल उतारने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना है क्यों, कब और कैसे। और अगर तूने थोड़ा भी झूठ बोला तो यकीन मान बहुत तड़पेगा। नीलोफर के मर्डर में तुम्हारे भाई के साथ दो लोग और शामिल थे, एक तुम्हारे मोहल्ले का नदीम और दूसरा तुम्हारा जीजा। उन्होंने उसके कपड़े जलाए, गहने, ताबीज और एक बिछिया भी, दूसरी बिछिया वो निकाल नहीं पाए थे। नदीम को भोपाल से और दूसरा तुम्हारा जीजा को कानपुर से हमने उठा लिया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैं मानता हूं इस केस में हमें ज्यादा टाइम लग गया, हमसे थोड़ी चूक हुई लाश की उम्र को लेकर, फरना लाश को तुम 4 महीने पहले देख चुके होते, बिछुआ भी। तेरे लिए सही नहीं थे इमरान, कभी भी नहीं। इतनी गलत थी कि आपने उसके लाश को भी गंदा किया। जितना भरोसा मैं नीलोफर पे करता था ना, उतना ही भरोसा मैं आप पे भी करता था। Thank you.
इमरान और नीलोफर अलग अलग बिरादरी से थे। उनकी शादी को लेकर दोनों बिरादरियों में कई लोग नाराज थे, लेकिन वक्त के साथ साथ सभी ने अपनी नाराजगी भुलाकर नीलोफर, इमरान और उनके बच्चे रेहान को अपना लिया था। सबने ना सिर्फ अपनाया बल्कि इन दोनों के प्रेम ने दो परिवारों के बीच की दूरी को भी थोड़ा सा कम कर दिया था। बस वसीम और सिर्फ वसीम ही एक ऐसा शख्स था जो नीलोफर को अपने छोटे भाई की बीवी के रूप में अपना नहीं पाया। इमरान को कभी समझ में नहीं आया कि वसीम को उसकी पत्नी नीलोफर से इतनी नाराजगी क्यों थी, और वो भी 5 साल बाद, वो भी इतने भयानक और इतने विकृत तरीके से बाहर क्यों आई। वसीम की पत्नी शाजिया और बहन मिनाज भी वसीम के अंदर उबल रहे इस गुस्से के तेजाब को कभी भांप नहीं पाए। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें, और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।